अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर मोर्चा खोल दिया है और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर बवाल कर रही है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने पंजाब के मंत्री और कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी का पूरा सियासी फायदा उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। आम आदमी पार्टी एक ओर पीएम मोदी पर सीधा हमला करके अरविंद केजरीवाल के कद को पीएम मोदी के कद के बराबर लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पार्टी की दूसरी रणनीति अरविंद केजरीवाल की छवि को जन कल्याणकारी नेता की छवि बनाने की है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता जनता को गुमराह करने की योजना पर काम कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं के आरोपों और उनको लगाने के अंदाज का बारीकी से अध्ययन करें तो साफ होता है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी रणनीति अपनी गिरफ्तारी का पूरा सियासी फायदा उठाने की है। अरविंद केजरीवाल के ड्रामा पार्ट वन की बात करें तो सबसे पहले इसकी कमान दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने संभाली। आतिशी ने दावा किया कि ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने आदेश जारी करके कहा है कि गर्मी के दिनों में दिल्ली वासियों को पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। आतिशी ने केजरीवाल की छवि चमकाने के लिए दावा किया कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वह दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। 9 सालों से दिल्ली की सरकार को परिवार की तरह चलाया है। दिल्ली वाले उनके सिर्फ वोटर नहीं है, वह दिल्ली के लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। आतिशी के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल की छवि चमकाने की जिम्मेदारी संभाली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी हिरासत से अपना दूसरा निर्देश जारी किया है। उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती रहें और उनका मेडिकल टेस्ट भी सुचारू रूप से होता रहे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पता नहीं अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें ईडी की हिरासत में होते हुए भी दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं, इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूंकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयां लेने जाए उसे दवा मिले, और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी
अगर अस्पताल में जाए दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। तो वहीं बीजेपी जेल से आदेश करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी नेता इसे अरविंद केजरीवाल की नौटंकी और जनता को गुमराह करने का हथकंडा बता रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और वहां से वो जिद के कारण मंत्रालय वहां से चलाना चाहता है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। लालू यादव भी गए हैं और अनेकों अनेक शरण भी गए, सभी ने इस्तीफा दिया है, दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जहां मैं समझता हूं उनको याद आ रहा है कि वो एक गैंग के सरगना है, अलीबाबा 40 चोर के, और चोर लोग ही हैं, गैंग चलाते हैं खाली जेल से। और मुझे लगता है कि ये कई लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर भी है। और जिस प्रकार से सारे दस्तावेज उनके अगेंस्ट जाते हैं और ईडी ने रिमांड भी ले रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अड़ियल है, साफ साफ दिखाई देता है। उनके लोकतंत्र में और देश के संविधान में कोई भी आस्था नहीं है, जिसके कारण ये परिणाम सब दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कस्टडी में है, लेकिन दिल्ली की बहुत चिंता कर रहे हैं। आतिशी जी, विक्टिम कार्य चलने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से आपने करोड़ों रुपया दिल्ली की जनता की कमाई का लूटा और अपनी जेब में डाला। अरविंद केजरीवाल के बाद जिस तरह पार्टी नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह केजरीवाल जेल से आदेश जारी कर रहे हैं, उससे साफ है वह अपनी गिरफ्तारी पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी जिस तरह से सियासत कर रही है, देश की सियासत के स्तर को और गिराने वाली है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।